कॉन्टेक्स्ट क्या था रेप ऑफ द लॉक. रेप ऑफ द लॉक जो है दैट इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग स्टोरी ऑफ द पोएट्री. स्टोरी तो नहीं मैं इसको कहूंगी, ये पोएम है, लेकिन पोएम इन अ फॉर्म ऑफ स्टोरी लिखी गई है, और क्योंकि ये स्टोरी टाइप है इसलिए आपको बड़ी इंटरेस्टिंग लगेगी. दैट इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग और मोस्ट मार्क्स गेनिंग जो है ना आप लोगों का, जो ज्यादा मार्क्स आते हैं ना वो मैं आपको बताती हूँ कौन सी बुक से आते हैं. रेप ऑफ द लॉक, ठीक है, इसके दो तीन ही सवाल आते हैं. बेलिंडा का कैरेक्टर, 18th सेंचुरी सोसाइटी, कॉन्टेम्पोरेरी सोसाइटी जो है कि ये सटायर है ऑन 18th सेंचुरी सोसाइटी. और जो है इसके दो सवाल और आते हैं कि पॉप जो है वो एज अ मॉरलिस्ट या इस तरह. ये तीन सवाल मिलके बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर बना देते हैं. तो एक तो ये, दूसरा जो है ना ये जो कॉन्टेक्स्ट है रेप ऑफ द लॉक का, ये एक्चुअली उसने 18th सेंचुरी सोसाइटी के ऊपर जो है ना बहुत ज्यादा सटायर किया. 18th सेंचुरी जो सोसाइटी थी, जो इंग्लिश सोसाइटी थी, वो मोस्ट सिविलाइज सोसाइटी समझी जाती थी ऑफ एरिस्टोक्रेसी. ठीक है, जो एरिस्टोक्रेटिक लोग थे उनको समझा जाता था कि ये बहुत ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, जितनी सिविलाइजेशन नॉर्म्स एंड ट्रेडिशंस ये लोग फॉलो करते हैं शायद ही कोई करता. दे वर कंसीडर्ड टू बी द मोस्ट सोफिस्टिकेटेड पीपल ऑफ दैट एज. But the thing is that irony lies in a situation when we have seen that ki ye jitne bhi jo the characters iske andar dikhaye gaye hain. Haan ji beta, ye background bata rahi hu iska context. To context actually kehte hain ki iska siyak o sabak kya hai kahani ka. To wo jo hai iske andar jo hai dikhaya gaya hai ki wo jo bahut padhi likhi society thi wo kis tarah ke trivial disputes mein padi hui thi. लड़के किस तरह के थे जो मोस्ट सोफिस्टिकेटेड एरिस्टोक्रेट्स थे, और लड़कियां कैसी थी जो कि मोस्ट सोफिस्टिकेटेड एंड एजुकेटेड जो है लैड्स एंड लॉर्डिंग्स जितने भी थे वो देखते हैं कि जैसे कहना चाहिए लैड्स एंड वैलीज, ठीक है, ये किस तरह की थी. ये सारी चीजें हमें अब इसके कॉन्टेक्स्ट में पता चलेंगी. यस, 18th सेंचुरी सोसाइटी जो है वो उस वक्त की एक्चुअली ये उसकी एलीट एरिस्टोक्रेटिक क्लास कहते ही एलीट क्लास को है ना, तो वहां की जो एलीट क्लास है बेटा उसके ऊपर ये बहुत बड़ा सटायर था रेप ऑफ द लॉक के, किस तरीके से एक बिल्कुल छोटे से माइनर जो रेप ऑफ द लॉक यानी कि उस लॉक का कट जाना, और क्या है कि उसको बाय फोर्स जो है जो काटा गया, और उसके पीछे जो डिस्प्यूट हुआ, उसके पीछे जो जंग हुई, उसके पीछे जो लड़ाई हुई वो किस नोयत की थी. बात बिल्कुल थोड़ी छोटी सी थी और उसको इतना बड़ा बना दिया गया. दूसरी चीज इसके अंदर दिखाया गया है कि हम लोग जो है किन कामों में पड़े हुए हैं, जो स्पेशली एरिस्टोक्रेट्स हैं. इसको देख के मुझे एक शेर याद आता है अक्सर कि मतलब जहन से निकल गया मेरे शेर, गरीब शहर को तो फाकों ने मार डाला, यानी कि जो गरीब लोग हैं उन वो तो फाकों की वजह से मर जाते हैं, तो गरीब शहर को तो फाकों ने मार डाला, अमीर शहर ने हीरे से खुदकुशी कर ली. ठीक है, जो अमीर शहर होते हैं, गरीब लोग तो बेचारे फाकों से मर जाते हैं, वो तो बीमारियों से मर जाते हैं, उनके बच्चे भी देखें उनका, आप कभी उनके घरों में जाके जरा उनके बच्चों की हेल्थ कभी चेक किया. नो डाउट एक है कि वो लोग सफाई सुथराई का ख्याल नहीं करते, लेकिन एक चीज है कि इसमें बहुत ज्यादा रोल हम लोगों का भी है. जो हम अमीर शहर है ना, हम लोग अपने आप को मोबाइल्स में इंडल्ज कर लेते हैं, और वो क्यों, ओ शायर ने कहा कि अमीर शहर ने हीरे से खुदकुशी कर ली. हमारा हीरा क्या, हमारा हीरा यही है, ये जो मॉडर्न वर्ल्ड है ना जिसके अंदर हमने अपने आप को इंडल्ज कर लिया है. तो अमीर शहर किस तरीके से मरते हैं, एक्चुअली बीच में इमर्ज होती है हमेशा मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास. इसलिए मैं आपको अभी बता रही थी कि हमेशा छोटे शहरों के बच्चे जो हैं वो बहुत आगे जाते हैं. जो अमीर शहर होते हैं या एरिस्टोक्रेट्स के बच्चे होते हैं, आप कभी टॉपर्स भी देख लेना, या तो वो मिडिल क्लास के होंगे या लोअर मिडिल क्लास के होंगे, या वो किसी गरीब बच्चे के बच्चे होंगे, गरीब बंदे के बच्चे होंगे. ठीक है, अमीर शहर से बहुत कम लोग आते हैं, यानी कि एरिस्टोक्रेट्स जो होते हैं उनके बहुत कम बच्चे होते हैं जो बहुत आगे जाते हैं, और हालांकि उनके पास फैसिलिटीज ज्यादा होती हैं, लेकिन छोटा जो लोअर क्लास वाला बच्चा होता है ना वो जो है एक मेहनत करके आगे आता है. आपको पता है आप लोगों की फी जो है वो, आई नो कि इस वक्त एट दिस टाइम बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जिनके लिए ये फी पे करना बहुत मुश्किल होगा,
ये भी इतनी इसलिए रखी गई थी बिकॉज आई वॉन्ट टू कम्युनिकेट विद द मिडल एंड लोअर मिडल क्लास. और वो जो यूट्यूब चैनल बना था वो लोअर क्लास के लिए बना कि वो उन लोगों को जो है ये फैसिलिटी प्रोवाइड की जाए. तो अदरवाइज आई नो कि इस वक्त जो है मिडिल लिटरेचर की ऑनलाइन पे क्या चल रही है, लेकिन वो मैं यहाँ पे बताऊंगी नहीं. तो द थिंग इज दैट आई वॉन्ट टू कम्युनिकेट विद द होल सोसाइटी. अगर ये फी मैं वो वाले लेवल की रख देती ना जो ऑनलाइन अकेडमीज की होती है, आज मैं मिडिल और लोअर मिडिल क्लास से फिर बात नहीं कर सकती थी, आज फिर मैं हाउस वाइफ से बात नहीं कर सकती. तो बहुत सारी सोचें होती हैं बेटा. वो कहते हैं ना, ले सांस भी आहिस्ता के नाजुक है बड़े काम. तो ये वही बात है कि अमीर शहर करता है हीरे से खुदकुशी, अपने आप को फ्रिवोलिटीज में ऐसी एक्टिविटीज में इंडल्ज कर लेना. मैंने कहा ना, ये एक मोबाइल है ना, ये इसी की क्लिक्स हैं जो आपका टाइम बर्बाद करती हैं, और इसी की क्लिक्स हैं जिसकी वजह से आज ये ऑनलाइन एकेडमी बनी. बताया था ना आपको कि 2015 में पहला मोबाइल मेरे हाथ में आया था एंड्रॉइड. उससे पहले मेरे हाथ, आई हैव नो इंटरेस्ट इन मोबाइल्स एंड लैपटॉप्स एंड दिस एंड दैट. मैंने इनको हाथ भी नहीं लगाती थी, मुझे बहुत बुरा लगता था. अभी भी मैं ज्यादा टीवी भी नहीं देखती ना मूवीज देखती हूँ, बिकॉज मुझे लगता दैट इज जस्ट अ वेस्टेज ऑफ टाइम. तो इस वजह से बेटा ये जो अमीर शहर होते हैं वो बच्चे जो है वो क्यों बर्बाद होते हैं, एक्चुअली उनके पास इतनी ज्यादा टाइम होता है कि वो उसको बर्बाद कर सके, आगे पीछे नौकर होते हैं. और अभी देख लें हमारी जो टॉपर है एकेडमी की, वो अपने घर का सारा काम खुद करती थी और वो कंबाइंड फैमिली में रहती थी. वो लड़की ससुराल में रह के उसने छोटे छोटे दो बच्चे पाल के, गोदियों वाले बच्चे पाल के, और विदाउट एनी, घर में कोई नौकर नहीं था, चाकर नहीं था, और इसके बावजूद वो लड़की टॉप कर गई. तो अब आप अंदाजा करें कि जो स्टूडेंट्स काम करते हैं उनके दिमाग भी कितने अच्छे चलते हैं, और जिनके घर में नौकर चाकर और आगे पीछे फैसिलिटीज होती हैं उनका काम भी उतना ही मतलब स्लो हो जाता है. तो दैट इज द थिंग कि इस तरीके से मेरे शहर जो है वो हीरे के साथ खुदकुशी करते हैं क्योंकि उनके पास एम्पल टाइम होता है, वो टाइम वेस्ट करते हैं, माइंड जो है वो उनका स्लो हो जाता है, एंड फाइनली उनकी पूरी बॉडी पे उसका इफेक्ट होता है. और जो लोग काम करने के आदी होते हैं उनका माइंड भी उतना ही तेज चल रहा होता है, और वो उसी तरीके से जो है ना वो जो है सारा काम कर रहे होते हैं. तो दैट इज बेसिकली द प्रोडक्टिविटी जो हमने खुद क्रिएट करनी होती है, और दैट इज द जो ये सारी चीजें हैं प्रोडक्टिविटी, और हमारी अपने ऊपर है कि हम टाइम को किस तरह स्पेंड करते हैं. यहाँ पे हाईली एरिस्टोक्रेट्स की बात होगी कि उनको, जिनको बहुत एजुकेटेड समझा जाता है, वो किस तरीके से रिएक्ट करते हैं. चलें गली मोहल्ले की मासियां तो चलें वो गालियां देती हैं, तू तड़ा करती हैं, लेकिन व्हाट अबाउट द हाईली एरिस्टोक्रेटिक वैलीज के जब उनके साथ कुछ होता है या उनके साथ कोई छोटा सा मसला भी होता है या उनके घर का कोई बर्तन भी टूटता है तो उनका एटीट्यूड क्या होता है. ये रेप ऑफ द लॉ जो है ये पूरी की पूरी इसी के ऊपर लिखी गई है. 18th सेंचुरी सोसाइटी लंडन एरिस्टोक्रेट्स के ऊपर लिखी गई है कि उस दौर में लोग जो हैं वो जो पढ़े लिखे लोग थे वो किस तरीके से बिहेव करते हैं, आज हमारे लीडर्स कैसे बिहेव करते हैं. जरा न्यूज चैनल तो खोल के देखें, गाली से नीचे बात ही नहीं करते. लगता है पढ़े लिखे, कहीं से भी नहीं लगता, चाहे फिर वो ऑक्सफोर्ड के पढ़े हुए हैं चाहे वो कहीं और के पढ़े हुए हैं, बट द वे दे कम्युनिकेट. तो बेटा आपकी कम्युनिकेशन ही आपका किरदार जो है ना वो बता देती है कि बच्चा किस तरह का है, और आपका कम्युनिकेशन स्किल्स बड़े काउंट करते हैं, आपके मैनर्स जो है वो बहुत काउंट करते हैं कि आपके. मैं जाहिर बात है अगर मैं थोड़ा सा बदतमीज होंगी तो लोग मेरे पास से भागना शुरू हो जाएंगे ना, मेरी बात सुनना पसंद नहीं करेंगे. और अगर आप प्यार से बात करते हैं, तरीके से बात करते हैं, तो अगले बंदे को समझ भी आ जाती है, बस इतनी सी बात होती है. तो बात मैंने गुस्से से भी करनी है, बात आराम से भी करनी है, तो आराम से कर ली जाए तो उसके इफेक्ट्स अच्छे आ जाते हैं, और बुरे तरीके से बात की जाए, हालांकि बात तो वही होती है जो अच्छे और बुरे दोनों तरीके से की जाती है. और एक हमने एक और भी तो मुहावरा याद कर दिया, घी सीधी उंगली से ना निकले तो उसको टेढ़ी उंगली से निकाल दिया जाए, लातों के भूत बातों से नहीं मानते. तो बेटे इस तरह के जितने भी कोर्स है ना, एक्चुअली ये हमें मोरालिटी से दूर करती है, ऐसा कुछ भी नहीं है. हाँ, सजा का इख्तियार अदालत को दे दे, ठीक है, जिनके पास अथॉरिटी है वो तो करें, ये थोड़ी हर गली मोहल्ले में बंदा खड़ा होकर गालियां देना शुरू कर दे. तो दैट इज द रॉन्ग थिंग. और जब ऊपर की एलीट क्लास या लीडर्स या टीचर्स या ऐसे लोग जो कि पाइनियर्स होते हैं ना किसी कल्चर के, वो ऐसे करते हैं, तो नीचे के लोग भी उनको फॉलो करके वैसे ही करते हैं. अब देखिए पिछले दिनों
आप फेसबुक पे जरा ये जिन दिन इलेक्शन होने थे उससे पहले आपने फेसबुक पे देखा था स्टूडेंट्स कैसे गालियां गालियां और गालियां गंदी गंदी गालियां, फेसबुक गालियों से भर गया था. द रीजन इज दैट वो जिस तरीके से मीडिया के ऊपर लीडर्स की गालियां चले, उन्होंने गालियां दे दी, मीडिया को नहीं दिखाना चाहिए. तो वो जब दिखाया गया और बच्चे ऐसे लीडर्स को आइडियलाइज करते हैं तो उनकी जबाने भी वैसी हो गई थी सारों की. तो अभी मीडिया ने दिखाना बंद कर दिया तो फेसबुक पे भी गालियां तकरीबन तकरीबन हो रही हैं, लेकिन उस नोयत की नहीं हो रही. या फिर शायद मैंने सारे पेजेस अनलाइक कर दिए, लेकिन अब मुझे उस तरह का कुछ नजर नहीं आ रहा. लेकिन बट मुझे बहुत अफसोस होता था जब हमारी यंग जनरेशन भी उसी लेवल की गालियां दे रही थी जो कि एक गली मोहल्ले का बच्चा देता है. और ये पढ़ी लिखी यंग जनरेशन थी जो फेसबुक पे इंस्टा पे बैठी हुई थी. तो अफसोस होता है बेटा, ये है एक्चुअली, दैट इज बेसिकली द सटायर जो यहाँ 18th सेंचुरी लंदन को, जिसको हम आइडियलाइज करते हैं कि शायद अंग्रेज जो है वो दूध के धुले हुए होते हैं और जो उनकी जो सोसाइटी है क्योंकि वो सिविलाइज है तो वो शायद उनको गुस्सा भी नहीं आता और वो बड़े तरीके से बात करते हैं. हमें तो यही बताया जाता है और हम हमेशा मिसालें किसकी देंगे, वेल डेवलप कंट्रीज की, कि वो लोग बड़े अच्छे होते हैं, वो हमारी लाइफ में इंटरफेयर नहीं करते, वो यूं नहीं करते, वो नहीं करते. बेटा वो वैसे ही हैं जैसे हम हैं. तो यहाँ पे बेसिकली उसी चीज के ऊपर पूरा सटायर किया गया. अलेक्जेंडर पॉप रॉड पोएट्री ड्यूरिंग द ऑगस्टियन एज ऑफ इंग्लिश लिटरेचर. इंडीड इट इज पॉप्स करियर दैट डिफाइंस द एज. During this time, the nation had recovered from the English Civil Wars and the Glorious Revolution. अब सबसे पहले बेटा यहाँ पे पोइट्री ड्यूरिंग ऑगस्टन एज, इसको अंडरलाइन कीजिएगा और नीचे सारे इसके कैरेक्टरिस्टिक्स आ रहे हैं कि इस एज में वो जो नेशन थी वो रिकवर हुई थी फ्रॉम इंग्लिश सिविल वॉर और ग्लोरियस रेवोल्यूशन से. एंड द रिगेन सेंस ऑफ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लेड टू रिसर्जेंस ऑफ द सपोर्ट फॉर द आर्ट. फॉर दिस रीजन मैनी कंपेयर्ड द पीरियड टू द राइन ऑफ ऑगस्टन इन रोम अंडर हुम बोथ वर्जिल एंड होरेस हैड फाउंड सपोर्ट फॉर देयर वर्क. द प्रिवेलिंग टेस्ट of the day was neoclassical and the 18th century English writer tended to value poetry that was learned and elusive, setting less value on originality than the romantics would in the next century. Yahan pe ye jo prevailing taste tha of that day wo neoclassical tha aur 18th century English writers jo hain वो टेंड कर रहे थे वैल्यू पोएट्री. न्यू क्लासिकल, वाई न्यू क्लासिकल? देखें बेटा, पहले मिडीवल, देन क्लासिकल, देन रोमांटिसिज्म एंड देन न्यू क्लासिकल. न्यू क्लासिकल में ये हुआ था रेनेसा एंड देन न्यू क्लासिकल. रेनेसा के बाद न्यू क्लासिकल. न्यू क्लासिकल मीन कि पोइट्स वापस गए क्लासिकल पोएट्री की तरफ और एक कॉम्बिनेशन हुआ क्लासिकल एंड न्यू मॉडर्निज्म का, उसको न्यू क्लासिकल कहा जाता है. और 18th सेंचुरी इंग्लिश राइटर जो है उन्होंने वैल्यू करना शुरू किया पोएट्री को जो कि अपनी साख खो चुकी थी. दैट वॉज लर्न एंड एल्यूसिव, सेटिंग लेस वैल्यू ऑन ओरिजिनैलिटी, जो कि लेस वैल्यू देती थी ऑन ओरिजिनैलिटी को, उसको दोबारा से लर्न किया गया. और एंड देन द रोमांटिक्स, रोमांटिक्स से ज्यादा जो है वो जो है वैल्यू दिया गया उसको इन द नेक्स्ट सेंचुरी. दिस लिटरेचर आल्सो टेंडेड टू बी मोरली एंड ऑफन पॉलिटिकली एंगेज्ड. और ये जो लिटरेचर थी, जो ऑगस्टन एज की लिटरेचर थी, वो जो थी वो टेंड किया गया कि इंसानों को, ह्यूमन बीइंग्स को, ह्यूमन काइंड को एक मॉरल इंस्ट्रक्शन दी जाए. सेम एज द केस विद जोनाथन स्विफ्ट का गुलिवर ट्रैवल पढ़ा था हमने, उसमें भी एक मॉरेलिटी सिखाई गई थी. तो यहाँ पे भी क्या हुआ कि मोरली और ऑफन पॉलिटिकल एंगेज, प्रिविलेजिंग सटायर एज ए डोमिनेंट मोड. एक तो लिटरेचर को टेंड किया गया कि उसको मॉरल होना चाहिए, कोई मॉरल उसके अंदर लेसन होना चाहिए, और दूसरा उसके अंदर एक उसको ऑफन पॉलिटिकली एंगेज किया गया, प्रिविलेज किया गया उसके अंदर सटायर को जो कि उसका डोमिनेंट मोड था. जोनाथन स्विफ्ट का भी गुलिवर ट्रैवल जो है वो एक सटायर था, ठीक है, वो भी ऑगस्टन एज और 18th सेंचुरी को रिप्रेजेंट करता है. रेप ऑफ द लॉक इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस इंग्लिश लैंग्वेज एग्जांपल ऑफ मॉक एपिक, पब्लिश्ड इन फर्स्ट वर्जन इन 1712 व्हेन पॉप वाज ओनली 23 ईयर ओल्ड. द पोएम सर्व्ड टू फोर्ज हिज रेपुटेशन एज अ पोएट एंड रिमेन्स हिज मोस्ट फ्रीक्वेंटली स्टडीड वर्क. द इंस्पिरेशन फॉर द पोएम वाज an actual incident among Pope's acquaintances in which Robert Lord Peter cut off the lock of Arbella Farmer's head. ये जो inspiration थी poem की वो actually एक incident थी जो कि among Pope's acquaintances, Pope के कोई जानने वाले थे, जो कि Robert Lord Peter था, उसने cut कर ली थी Arbella Farmer के बालों को. And the young people families
fell into strife as a result. Aur phir wo dono khandanon mein acha khasa fasad hua. John Carroll and other member of this same circle of prominent Roman Catholic asked Pop to write a light poem that would put the episode into humorous perspective and reconcile the two families. Ab jo hai John Carroll jo hai jo ki isi circle se taluk rakhta tha to usne kaha ki Pop ko kaha ki bhai tum aisa karo tum koi poem likho jo ki humorous way mein likho taki in do families ke darmiyan reconciliation ho jaye. The poem was originally published in a shorter version, which poem Pop later revised. In this later version, he added the machinery, the retinue of supernatural who influenced the action as well as the moral of the tale. Aur is later version mein usne machinery bhi add ki, jisme usne five cantos pe base kiya tha usko. After the publication of The Rape of the Lock, Paul spent many years translating the works of Homer. During the 10 years he devoted to his arduous project, he produced very few new poems of his own, but refined his taste in literature and his moral, social, and political opinions to an incredible degree. When he later recommended to write original poetry, Paul struck a more serious tone than the one he gave to The Rape of the Lock. These later poems serve in their moral judgment and more acid in their satire. Pop's essay on the Manus, a philosophical poem on metaphysics, ethics, and human nature, while in the Denunciate poem, writes a scathing expose of the bad writers and pseudo-intellectual of the day. Pop ke jo essays the on a Manus, a philosophical poem, jo ki usne metaphysics kehte hai, beyond body ko. जॉन डन की जिस जिसने पोइम्स पढ़ी होंगी ना उसको पता होगा मेटाफिजिक्स है. मैटर कहते हैं बियॉन्ड फिजिक्स, सॉरी मैटर कहते हैं बियॉन्ड और फिजिक्स बॉडी को कहते हैं. तो बियॉन्ड बॉडी जो है वो आपकी यानी कि फिजिक से बियॉन्ड, आपकी बॉडी से बियॉन्ड जो फारफेच्ड कंसीट्स इमेजेस होते हैं उसको कहते हैं. एथिक्स आपको पता है मॉरल्स को कहते हैं, और ह्यूमन नेचर, ये दो तीन चीजें हैं जो इसने बहुत ज्यादा इस पर बात की थी. उसके बाद आगे चलते हैं, दैट इज द कैरेक्टर लिस्ट.